धर्म कर्म विशेष शास्त्र प्रमा कृतिरमा भेदक्रमा मनोरंजन जनयन आनंदर शरीर बनाने के लिए जड़ उपादान भी चाहिए, पंचभूत भी चाहिए। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि जो होती है वो तो ऊर्जा जैसे जोर से मोटर तैयार कर ली जाती है आर्डर के अनुसार। तो जीव पहले जीव ब्रह्मा ने बनाया नहीं, अंतकरण भी ब्रह्मा ने बनाया नहीं, उसमें संस्कार भी ब्रह्मा ने बनाया नहीं, प्रारब्ध भी ब्रह्मा ने बनाया नहीं, और प्रारब्ध को फलदानोन्मुख भी ब्रह्मा ने बनाया नहीं। और जिस उपादान से जिस नेतर से शरीर बनता है वो भी ब्रह्मा ने बनाया नहीं। ब्रह्मा ने तो सबको जोर दिया, केवल इतने ही काम ब्रह्मा का है। और श्री कृष्ण ने जो सृष्टि प्रकट की उसमें न तो पुराना जीव है, न अंतकरण है, न कर्म संस्कार है, न प्रारब्ध है, न तो भौतिक उपादान है, वो तो सर्वम विष्णुमयम है। सब का सब श्री कृष्ण रूप ही है, सर्वम ऐसे है ना, सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजा सर्वस्वरूप हो भगव। तो वो जो श्री कृष्ण की जो सृष्टि है वो सर्वथा आत्मोल्लास है, आत्मस्वरूप सृष्टि है। इसलिए ब्रह्मा को यही दिखाना था, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि बनाने में तो उनकी चतुराई श्री कृष्ण की चतुराई के सामने बिल्कुल झूठी है, मिथ्याचारी है ब्रह्मा की। इसलिए उनको सृष्टि कर्तृत्व का अपमान नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने असल में कायदा ये है, यदि कोई वेद का पंडित आ रहे तो उसके साथ हम वेद की बात करें और ठीक ठीक करें तो वो समझेगा कि हाँ ये भी वेद के पंडित। और वेद का पंडित आवे और व्याकरण को सूत्र उसके सामने बोलने लगे तो वो तो क्या समझेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही व्याकरण का पंडित हो और उसके सामने हम वेदार्थ करने लग जाएं तो वो तो समझ नहीं सकता कि वेदार्थ क्या होता है। वो तो ऐसे ही प्रकृति प्रत्यय का अनुमान लगा रहेगा, क्योंकि उसने निरुक्त पढ़ा नहीं, उसने शायद आदि शास्त्र पढ़े नहीं, उसने ब्राह्मण आरण्य पढ़ा नहीं, तो वेद मंत्र का अर्थ और केवल व्याकरण से पंडित की समझ में नहीं आता। तो व्याकरण वैयाकरण के सामने तो वैदिक बन जाए और वैदिक के सामने वैयाकरण बन जाए तो इसमें हमारी चातुरी नहीं है। चातुरी तो तब है जब वैयाकरण के सामने वैयाकरण और वैदिक के सामने वैदिक। तो ब्रह्मा जी जिस विषय के एक पट है, एक पटो है, एक पटता जिनकी जो थी उनकी सृष्टि बनाने में है, उसी में वे श्री कृष्ण से बहुत पीछे हैं। ये बात प्रकट होने से ब्रह्मा को एक मंजिल महिमा का दर्शन हो गया। ये तो हमारा जो प्रसंग है ब्रह्मा के मोक्ष का,
जिसको दो संप्रदाय में नहीं मानते, एक तो श्री रामानुज संप्रदाय में और एक वल्लभ संप्रदाय में। श्रीधर संप्रदाय में माने शंकर संप्रदाय में और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में तो इस प्रसंग को श्रीमद् भागवत का ही मानते हैं और वो जो दोनों हैं वो नहीं मानते, क्योंकि इसमें नारायण की अपेक्षा भी श्रेष्ठता मालूम पड़ती है श्री कृष्ण की। तो वो नाभि कम्मा हो गए ब्रह्मा सृष्टि बना रहे हैं, तो इसमें सर्व रूपता जो श्री कृष्ण की है वो निम्बार्क संप्रदाय को मान्य है और श्रीधर स्वामी को मान्य है शंकर संप्रदाय में और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में मान्य है, क्योंकि वहां भी मध्वाचार्य जगत को पकड़े गुरु थे और बाकी जो है वो इस प्रसंग को भी प्रक्षेप मानते हैं बल्लभ और रावण। चातुरी तो जो जिस विषय का ज्ञाता है उसके सामने वही चातुरी प्रकट करना। ब्रह्मा जी चाहते हैं मंदिर महिमा देखना, तो सृष्टि बनाने में ब्रह्मा की महिमा कुछ नहीं है, सृष्टि की महिमा है, ये बात उसको प्रकट हो जाती है और भगवान की सर्वस्वरूपता भी प्रकट हो जाती है। अद्भुत भगवत और कहीं शिव मोहित होते हैं, कहीं ब्रह्मा मोहित होते हैं, कहीं इंद्र मोहित होते हैं, और कभी श्री कृष्ण को देखने के लिए महानारायण भी तरसने लगते हैं। तो इससे श्री कृष्ण का जो सर्वोपरि महात्म्य है वो प्रकट होता है। ये ब्रह्मा जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक ब्रह्मा को तो प्रकट होते ही भगवान पद्म कल्प में ज्ञान का उपदेश कर देते हैं, पर दूसरे कल्प ऐसे भी होते हैं जिनमें एक जीव अपनी तपस्या के बल से ब्रह्मा हो जाता है। तो ईश्वर का आदर भाव ब्रह्मा के रूप में और ईश्वर के पुत्र ब्रह्मा और ईश्वर के शिष्य ब्रह्मा और ईश्वर की उपासना करके ब्रह्मा पद पर पहुंचे हुए ब्रह्मा। तो ब्रह्मा भी अनेक होते हैं, उनमें कभी कभी अज्ञानी ब्रह्मा भी होता है जो भगवान को नहीं पहचानता है। और ये श्री सुखदेव जी ये जो व्यास जी महाराज हैं ये जब ध्यान करते हैं तो कल्प कल्प के को भी ब्रह्मा और कल्प कल्प के को भी सुखदेव और कल्प कल्प के को भी परीक्षित व्यास जी के ध्यान में उपस्थित होते हैं। तो सुखदेव जी का जो चरित्र है वो भी इसी द्वापर के सुखदेव जी का चरित्र नहीं है और परीक्षित का भी जो चरित्र है वो इसी द्वापर के परीक्षित का चरित्र नहीं है, जो अनादिकाल से अब तक वो भी को भी परीक्षित को भी सुखदेव हुए हैं, उन सबकी तुलना एक साथ व्यास जी के हृदय में होती है और उनमें से चुन के जो चरित्र लेना होता है परीक्षित में श्रीमद् भागवत श्रवण करके मुक्ति प्राप्त की। ये चरित्र महाभारत में नहीं है, वो श्रीमद् भागवत के श्रवण की बात नहीं है। और सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए जीवित थे ये बात भी महाभारत में नहीं है। तो अनेक अनेक कल्पों में जो पृथक पृथक चरित्र होते हैं उनकी व्यास जी के हृदय में तुलना होती है। समाधि भाषा व्यासस्य व्यास जी भाषा समाधि भाषा है, इसलिए यदि कहीं चरित्र में अंतर भी पड़े तो व्यास जी ने किस कल्प का जो चरित्र लिखा है और जन्माद्य जतर से लेके तन्नमामि हरि परम पर्यंत सूत सौनक संवाद भी व्यास जी का ही लिखा हुआ है और सुख परीक्षित संवाद भी व्यास जी का ही लिखा हुआ है। भले सुख परीक्षित संवाद बाद में हुआ हो और सूत सौनक संवाद बाद में हुआ हो, वो तो आख्यायिका तो श्रीमद् भागवत की स्तुति के लिए है। श्रीमद् भागवत तो वेदों के समान ही अनादि और नित्य है,
अनादि और प्रवाह रूप से मैं और स्मृति रूप वेद जो है वो स्मृति रूप है और ये अनादि नित्य स्मृति रूप है। इसलिए इसमें कौन करता है और कब बना है ये कोई प्रश्न नहीं है। इसमें कितना भागवत सूत जी ने बनाया, कितना सूत ने, कितना व्यास, ये नहीं है। समग्र इसी से पाठ का जो फल है वो कोई कहे कि हम सुखदेव जी के वचन का पाठ करेंगे और सूत जी के वचन का पाठ नहीं करेंगे तो भागवत हो जाएगा, तो वो नहीं है। भागवत के पाठ का यदि पूर्ण लेना है तो वो जन्माद्य जता से लेके तम नमामि हरि परम पर, नहीं तो वो व्याहत हो जाएगा, पाठ जो है वो अपूर्ण हो जाएगा। चिरजीवी का अर्थ केवल एक मन्वंतर होता है, बल्कि चतुर्युगी मात्र ही है व्यास जी के जीवन का काम, क्योंकि विष्णु पुराण में इस समय जो व्यास है ये 28वें व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन माने, जैसे इस समय अष्टाविंशतितम चतुर्युगी बीत रही है वैवस्वत मन्वंतर में, तो ये व्यास दूसरे माने व्यास जी प्रत्येक चतुर्युगी में जब द्वापरांत होता है उस समय व्यासावतार होता है, तो ये कभी व्यास नहीं रहते हैं, पृथक पृथक व्यास जो है वो होते हैं। ये श्रीमद् भागवत के जो स्मरता हैं वो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं और अंतिम व्यास है। अभी अगली चतुर्युगी में दूसरे व्यास, फिर भिन्न मन्वंतरों में दूसरे व्यास होते हैं, भिन्न भिन्न कल्पों में दूसरे व्यास होते हैं। सत्ते चिरजीवी न सत्य पांच स्मरण से हम लोगों को प्रात स्मरण में ये था, सत्यपांत स्मरण नित्य मार्कंडे अथाश्रम जीवे सर्वप्रथम सागरम अपमृत्यु विवर्जिता। आठों चिरजीवियों का स्मरण करने के लिए बोल सारूप तो जीव को होता है और व्यूह तो भगवान के प्राकट्य का होता है, वो जैसे अपने शरीर और प्राज्ञ और तैजस और वैश्वानर में चेतन तो एक है परंतु उपाधि के भेद से उनमें भेद होता है। ऐसे ये प्रद्युम्न और अनिरुद्ध और संकर्षण इनमें उपाधि का ही भेद है, तो काम जो भगवत काम है उस कामना की उपाधि से भगवान का ही एक नाम प्रसन्न है, और मन की जो अनिरुद्धता चांचल्य उसकी उपाधि से चेतन का ही नाम अनिरुद्ध है, और जो क्रिया शक्ति काम कर रही है प्रधान के रूप में या प्रकृति के रूप में इसकी उपाधि से फूल की उपाधि से परमात्मा का नाम है चेतन। तो है तो परमात्मा एक ही, लेकिन जैसे हम प्राज्ञ तैजस और वैश्वानर का भेद उपाधि के भेद से करते हैं, वैसे उसमें गुण के भेद से वहां भगवान का भेद हो जाता है। वैसे चतुर्जीव का वर्णन वेदों में तो नहीं है और ब्रह्मसूत्र में भी उसका खंडन नहीं है। उत्पत्ति संभवाधिकरण में शंकर भगवान ने और सांडिल्य जी पर थोड़ा सा आक्षेप कटाक्ष, आक्षेप तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कटाक्ष करके लिखा है कि जो बात चारों वेदों में नहीं मिली उसको सांडिल्य जी कहां से ढूंढ के ले आए, ऐसे उन्होंने उत्पत्ति संभवाधिकरण में। तो पुराणों में वही जो हमारे प्रिय और प्राज्ञ तेजस और वैश्वानर का भेद आध्यात्मिक है उसी को इन लोगों ने आधिदैविक रूप में प्रकट किया है। ये प्रद्युम्न अनिरुद्धादि का जो भेद है वो आधिदैविक है,
और ये जो हमारा प्रिय प्राज्ञादि है ये आध्यात्मिक है, तो वस्तु तो एक ही है और इसी को फिर अपुषोपाधि, कारण उपाधि और निरुपाधि, तत्व दृष्टि से चार भेद करेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से भी चार करेंगे और आधिदैविक दृष्टि से भी चार करेंगे, और ये चार संकल्प क्रिया, तो अंतर्गुण में संस्कार काम और अनुरूप में संकल्प और संकर्षण में क्रिया, इनकी प्रधानता से इनका वर्णन करते हैं। और उसमें वो जो विभुपाद चिन्ह है वो सर्वोपरि, सर्वोपरि है माने इतनी सहिष्णुता और प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण में नहीं है, अधिष्ठान में ही सर्व सहिष्णुता होती है, उसको सर्प कहो, माला कहो, चाहे दंड कहो, चित्र कहो, सर्व सहिष्णुता रूप जो लक्षण है वो सूर्य में ही होता है, इसलिए वासुदेव गत लक्षण भृगुपाद चिन्ह है, उनको कोई लात भी मारे वो लात को भी आप नहीं समझते हैं, तो उनको कोई सर्प भी समझे तो रसु सहित जो चैतन्य है वो सर्प कल्पना का विरोधी नहीं है, इसलिए सहिष्णुत्व जो है ये अधिष्ठान का लक्षण है। इसको न तो गूह मानते हैं बल्कि यहां तक कि प्रकाश भी नहीं मानते हैं, ये स्वयं भगवान ही सर्वरूप है, तो ब्रह्मा के लिए तो जो अनेकता है वो क्रांति है, मैंने वो ऐसा उनकी दिव्य दृष्टि कहो, उनकी दृष्टि का विनाश है, और भगवान के लिए तो सर्व कुछ भगवत स्वरूप है। इसमें हमारी जो सेन्द्रियता है माने हम जो इंद्रियाभिमानी बन के बैठे हुए हैं, इसीलिए दृश्य में अनेकता दिखाई पड़ती है, दृश्य जो है वो तो मूलतः अधिष्ठान ही है, चैतन्य निरिंद्रिय है क्योंकि वो तत्व है, और ये जीव जो है वो देहाभिमानी होकर के सेन्द्रिय हो गया है, तो मूर्ति का सेन्द्रिय होना आवश्यक नहीं है, हमारा निरिंद्रिय होना आवश्यक है, क्योंकि जब हम निरिंद्रिय हो जाएंगे तो इंद्रिय वक्त चेतन का लक्षण है ये कट जाएगा, और ये जब कट जाएगा तो निरिंद्रिय ब्रह्म है और निरिंद्रिय सत है, निरिंद्रिय चित्त है, निरिंद्रिय आनंद है, तो भक्तों को वेदांत के संबंध में कुछ दस्तनदाजी करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो अपने भगवान की आराधना करनी चाहिए और बड़े प्रेम से करना चाहिए, और ये वेदांतियों को अपना देहाभिमान जो है अपनी परिच्छिन्नता का निवारण करना चाहिए, तब ये अपरिच्छिन्न तत्व से एकता का अनुभव कर सकेंगे, जो मूर्ति को तो केंद्रीय बनाकर चेतन करना चाहता है और अपने को केंद्रीय रख करके चेतन होना चाहता है, उसकी स्थिति बिल्कुल व्यावहारिक है, हमारी सेन्द्रियता के कारण ही हमको मूर्ति जड़ लगती है, यदि हम सेन्द्रिय न होते तो जो हम है वही मूर्ति है, जो मूर्ति है वही हम है, तो चरण चाचरमेव च, एक ओर तो देह में दोष देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, देह से ऊपर उठो, और दूसरे परमात्मा को चरण चाचरमेव च, चर भी देखो और अचर भी देखो, तो ये प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात, ये जो सर्वरूपता है ब्रह्म की, ब्रह्मैवेदं सर्वं आत्मा वायुदं सर्वं सएवेदं सर्वं अहमेवेदं सर्वं, ये जो श्रुति है ये तत्व को सर्वात्मक ही मानती है, अब सर्व और तत्व का बात समानाधिकरण है ये बात दूसरी हुई, लेकिन तत्वातिरिक्त और कुछ नहीं है, तो भगवान की लीला जो है वो जरा
हम लोगों की तरफ ज्यादा देखती है, उसमें करुणा बहुत दिखती है। देखो यशोदा मैया पर कृपा करके तो भगवान बन गए कि मैया को दृढ़ हो जाए कि ये हमारा बेटा है। कुएं में कोई गिरा हो तो उसके लिए कुएं में तो करना पड़ता है निकालने को, तो जब हम लोग बंधन की सृष्टि में पड़े हुए हैं तो स्वयं बंधन की सृष्टि में आके हम लोगों का उद्धार करना चाहते हैं भगवान, हमारे हृदय बन गए हैं। लेकिन बध गए तो ठीक है, बधे रहे क्यों? तो बोले कि जब तक हमारे ये भक्त यही चेतन है जो वृक्ष के रूप में जड़ भावापन्न हो रहे हैं, तो जब तक ये बंधन में है तब तक हम भी बंधन में रहेंगे। जब तक भक्त का बंधन छूट न जाए तब तक भगवान भी अपने को बंधन में रखता है। अब ये कहो कि ये बंधन भगवान में स्वाभाविक है, क्योंकि स्वाभाविक नहीं है, वो तो यशोदा मैया के द्वारा अध्यारोपित है। यशोदा मैया ने उनके कमर में रस्सी लगाई है, वो कमर में रस्सी लगा के पैदा थोड़ी हुए हैं। अच्छा, और अपवाद भी भक्त के द्वारा ही होता है। नंद बाबा जो हैं वो बंधन खोल देते हैं, तो श्री कृष्ण में न बंधन है न मुक्ति है। एक ने कहा कि बद्ध हो तो बंध गए, एक ने कहा कि मुक्त हो तो मुक्त हो गए। ये तो भक्त के आज्ञाकारी हैं भगवान। तो ब्रह्मा जी ने मंजुल लीला देखनी चाहिए, ये भी उनको दिखा दिया कि बहुत सारे ब्रह्मा हैं, क्योंकि वहां जो दर्शन कराया है वो प्रकृति स्वभाव काल कर्म सबका ही दर्शन कराया है। तो ये तो अमूर्त है सब के सब, प्रकृति भी अमूर्त है, काल भी अमूर्त है, स्वभाव भी अमूर्त है। तो अमूर्त पदार्थों को अपने में मूर्त करके जो दिखाया वो उल्लास ही मानना पड़ेगा भगवान का। भक्त लोगों ने कहा ये साक्षात भगवत रूप है, इसमें प्रकृति देश काल स्वभाव आदि जो है वो सब के सब अप्राकृत दिव्य भगवत स्वरूप ही है। तो जब तक भगवत तत्व का बोध नहीं हुआ तब तक प्रकृति प्राकृत का भेद ब्रह्म में मालूम पड़ता है, और जहां ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया वहां प्रकृति और प्राकृत का कोई भेद नहीं रहता है। तो इसी से एको सुख प्रथमम ततो ब्रज सुहृद सत्ता समस्ता भी, और फिर ब्रह्माद्वयम निश्चित है, प्रारंभ में एक अंत में एक, और बीच में भगवान ने जैसे समुद्र में तरंग उठे, जैसे ज्ञान में स्फुरणाएं उठे, जैसे सत्ता में आकृतियां मालूम पड़े, जैसे आनंद में तिरकन मालूम पड़े, ऐसे भगवान एक बार ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी का जो भ्रम है उसके निवारण के लिए उन्होंने ऐसा आत्मा नहीं दिखाया। असल में कथा का मतलब ही ये होता है, कथा तीन प्रकार विधि कथा जथा वेद प्रकार विधि जथा वेद प्रकार विधि कथा सर्वेण प्रकार विधि सर्वथा, ये जो थाल है प्रत्यय ये प्रकार अर्थ में हुआ है, इसलिए कथा शब्द का अर्थ तीन प्रकार ऐसा कैसे हुआ। वो किसी का प्रवर्तक निवर्तक नहीं है, प्रकाशक ही है, वो बंधन मुक्ति दोनों का प्रकाशक है। तो भगवान को तो बंधन में कोई परहेज नहीं है, परहेज माने परिजीवित का या परिजिहा का, भगवान को तो कुछ नहीं है, परंतु उनकी जो ऐश्वर्य शक्ति है दूध माया जो भगवान को बंधने देना नहीं चाहती, या यह कहे कि यशोदा मैया के और भगवान के बीच में आकर वो दिखाना चाहती है कि भक्ति की कितनी महिमा है, कि भक्ति के द्वारा मुक्त जो है वो बन जाता है, और हमारी जो ऐश्वर्य शक्ति का भी तिरस्कार करके
मृत्यु भगवान को दर्श में कर लेती है। भगवान को ईश्वर की शक्ति ये दिखाने के लिए है। क्योंकि दसों दुर्गम की नाम भक्तिया स्त्रिय प्रतिंग जैसे पति स्त्री अपने सज्जन पति को अपने दर्श में कर लेती है, उसी प्रकार भक्त लोग जो हैं वो अपनी शक्ति के द्वारा भगवान को दर्श में कर लेते हैं। तो भक्तों का कितना महिमा है ये कैसे प्रकट हो। ईश्वरी शक्ति ने कहा कि यदि मैं एक बार भक्ति के साथ लड़ूंगी नहीं तो भक्ति का बल प्रकट नहीं है। इसलिए कोई न कोई भगवान के बंधन में प्रतिबंध उपस्थित करना चाहिए जिससे भक्ति का बल प्रकट हो जाए कि वो ऐश्वर्य शक्ति का पुरस्कार करके भी भगवान को बांध सकती है। भक्ति रेव दर्शयती, भक्ति रेव नयती, भक्ति रेव वसी करोती। भक्ति में बड़ा भारी बल है। तो पहले ऐश्वर्य शक्ति ने कहा कि देखो कि द्वैत में बंधन होता है। यशोदा मैया के निर्देश दो उंगली देखो रस्सी में बंद है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ बंधन होता है, और पुष्प में तो द्वैत नहीं है तो बंधन कहाँ से होगा। तो यशोदा मैया ने कहा कि नहीं, द्वैत हो चाहे मत हो, हम तो उनको पाएंगे। तो फिर दो अंगुल कम हो, जहां नाम रूप दो लोग होते हैं वहां बंधन होता है। जहां नाम रूप है ही नहीं वहां बंधन कैसे होगा। अब भी मान गया इसे थोड़ा मैया बोली कि नहीं, चाहे नाम रूप हो कि न हो, हमारे को ये मुश्किल ये कति है, मुश्किल भरती तो कमर है और हमारी हमारे पेट में तो रहा है, हमारी गोद में बैठता है, हमारा दूध पीता है। जिसमें नाम रूप नहीं है तो कहाँ है, इसी में नाम रूप है। जिसमें द्वैत भी है नाम रूप भी है, मैं बाघों की मैया हट कर बैठी। बोले भाई देखो, अध्यक्ष में ही बंधन होता है, अधिष्ठान में तो कहीं बंधन होते ही नहीं। अध्यक्ष माने एक के ऊपर दूसरी चीज जब डाल दी जाती है, पहुंच दी जाती है एक में दूसरी, तो उसको अध्यक्ष बोलते हैं। अभी माने ऊपर और अक्त माने डाली हुई निश्चित। जैसे हमने सोने को पीतल समझ लिया तो ये सोने में पीतल का अभ्यास हो गया। हमने गिरुआ कपड़ा गिरुआ रंग का कपड़ा आती हुई महिला को महात्मा समझ लिया तो महिला में महात्मा का अभ्यास हो गया। एक को दूसरा समझ बैठना, समझ का नाम अभ्यास होता है। एक का दूसरा होना अभ्यास नहीं है, एक को दूसरा समझ लेना अभ्यास है। तो समझ में ही ये बंधन होता है और समझ में ही मुक्ति होती है। परमात्मा के स्वरूप में न बंधन है न मुक्ति है। ये बात विचार्यमाने शरणा विवाहनी, ये बात आगोश में स्पष्ट है कि सूर्य में रखे रात है। तो अधिष्ठान में बंधन नहीं होता, अध्यक्ष में ही बंधन होता है और साक्षी में बंधन नहीं होता, दृश्य में ही बंधन होता है। तो न अधिष्ठान में बंधन है न साक्षी में बंधन है, और श्री कृष्ण को अधिष्ठान स्वरूप साक्षी है। देहाधिष्ठान भी वही है और पर्वता विषयाधिष्ठान भी वही है, और देह साक्षी भी वही है और विषय साक्षी भी वही है। तो उनमें बंधन कहाँ से, उनमें बंधन कहाँ से आएगा, रोक दिया बंधन को। फिर बोले की जो सोदा मैया, ईश्वर को वो बांध सकता है जिसके संसार को वैराग्य हो और वृत्ति में योगाकारता हो, संसाराकारता की निवृत्ति हो और भगवदाकारता हो। तो जब तक भगवदाकारता रहेगी वृत्ति में भगवान आबद्ध रहेंगे, और जिसे वृत्ति देवी की जिन रही है और संसाराकार को तेरी वृत्ति है,
और भगवान को भगवान समझती नहीं है, अज्ञान भी है, वैराग्य भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। तो जहाँ वैराग्य और ज्ञान नहीं है वहाँ परमात्मा की पकड़ कैसे होगी। मैया ने कहा ये सब मैं ज्ञान वैराग्य की बात नहीं समझती हूँ, ईश्वर जी मैं तो बांधूंगी, आज तुम्हें पहुंच हो, आज मैं तुमको बांध के रहूंगी, तुमको भोग पहुंच सकता हूँ। अब भगवान ने देखा कि हमारी असंगता, हमारी मुक्ति, हमारा ऐश्वर्य, हमारा अधिष्ठान रूप, हमारा शांति रूप कोई भी मैया को बांधने नहीं देता है। तो कहां हमारी मैया, कहां भगवान और शक्ति जब दोनों अकेले हो जाए तो हार किसकी होगी। तो हक भगवो हक मध्य शक्ति हटा सकते, भगवान और भक्त यदि दोनों हक कर बैठे तो किसका हक रहे। तो भगवान ने अपनी सब शक्तियों को इकट्ठा किया, पूरे भाई तुम लोग हक के वक्त में होना भी हमारी हमारा एक स्वभाव है और अखंडता भी हमारा स्वभाव है और भक्ति भी हमारा स्वभाव है और देश काल से परिचित न होना भी हमारा स्वभाव है। तो ये तो सब है हमारा स्वभाव और हमारी मैया बांधना चाहती है तो अब क्या करना चाहिए। पूरे महाराज एक पंच बना दो हमारी शक्तियों में कर रहे हैं और वो पंचायत करके मध्यस्थ जो है वो तय करे कि भगवान की कौन सी शक्ति मंच के सामने काम करे। कुछ चुनाव हुआ, जो चुनाव हुआ तो शक्तियों में भगवान की जो कृपा शक्ति है वही सर्व शक्ति चक्रवर्तिनी चुनी गई। भगवान के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं उनमें चक्रवर्तिनी शक्ति है कृपा। तो भोले भाई की तो कृपा की है तो कृपा होती क्यों नहीं है, कृपा तो भगवान का स्वभाव है, वो क्यों नहीं रही है। तो बोले कि मैया को अपमान है कि मैं बात लूंगी तो एक अंगुल दूर हो जाती है और अभिमान को देख करके भगवान भी एक अंगुल दूर हो जाते हैं। तो एक अंगुल मैया की दूरी है और एक अंगुल कृष्ण की दूरी है, ये दो अंगुल बीच में आ गए हैं और इन्हीं के कारण ये मैया की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो मैया हार गई गु चिन्ह गात्राया विस्तृत कबर प्रजा। असल में भगवान के सामने हार नहीं है। हाँ, भगवान को वश में करने का उपाय ये है कि उनके सामने हार जाए। तो बाबा तेरी जो मर्जी हो जो कर। तो मैया के शरीर में हो गया पसीना और श्रृंगार बिखर गया। तब यदि कृष्णा परिक्रमम कृष्णा देखा कि हमारे मैया को जो ये ख्याल था कि मैं अपने बल से अपनी गति से बांध लूंगी जो टूट गया। तब कृपया की स्वबंधने कृपा जो है वही सर्वशक्ति आप परम भास्वती भगवती और सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी जो कृपा है वही बांधते। तो ऐसा अनेक दृष्टि जीवन में महापुरुषों के जीवन में भी देखने में आता है कि कहीं उनकी करुणा का उदय यदि हो जाए तो उन्हें बंधन का तो डर नहीं है, नरक का डर नहीं है, पुनर्जन्म का डर नहीं है, है? तो जैसे भगवान प्रेम के वश में होते हैं वैसे महापुरुष भी प्रेम के वश में होते हैं। ये बात स्पष्टम स्पष्टम अनेक स्थान पर देखने में आती है और जीवन मुक्ति विवेक के पूर्णानंदन की बहुमूल्य व्याख्या है, बहुत बड़ी संस्कृत की व्याख्या है पूर्ण विस्तृत जीवन मुक्ति विवेक है। पूर्णानंदन की बहुमूल्य इसका नाम है टीका का।
संस्कृति का जैसे पंचदशी पर है ऐसी पंचदशी पर जैसे अच्छी प्राय मोदक की पूर्णानंद ने कहूंगी है पूर्ण मुक्ति विवेक कर दी है। तो उसने ये बात स्पष्ट रखी हुई है क्योंकि बंधन फिर होने की संभावना नहीं है। यदि सत्य बंधन होता तो वो वृत्ति के रहते तो नहीं आता और वृत्ति के जाने पर आ जाता। तो स्वयं भगवान जो है उनमें बंधन की तो कोई कल्पना ही नहीं है। इसलिए जब कृपा उमड़ी तो भगवान ने कहा कि ये बांधने वाला कौन है। कृपया की स्व बंधने ये तो अपने ही है तो हम अपने हाथ से अपने हाथ से बांध लें दोनों हाथों को उठा लें तो उलझने वाला हाथ भी मैं ही और उलझाने वाला हाथ भी मैं हूं। तो ये निर्द्वंद जो स्थिति है स्व बंधने स्वरूप भूते बंधने अथवा स्व जो मस्तक अपने आत्मी स्व माने आत्मा भी होता है और स्व माने आत्मी भी होता है। तो ये स्व बंधन का हेतु होता है। कहा जहाँ धन स्व है वहाँ धन बांधेगा, जहाँ जाति स्व है वहाँ जाति बांधेगी, जाति भी स्व है तो स्व धन बांधेगा स्व जाति बांधेगी और स्व माने आत्मी बांधेगा और स्व माने आत्मा, आत्मा में स्वातंत्र है जो निर्बंध में भी स्वयं बंधन की कल्पना करके और अच्छे की महिमा को दिखा सकता है। तो ये हमारे प्रेम की जो महिमा है दूसरे से जो प्रेम होता है वो कृत्रिम होता है और स्व में जो प्रेम होता है वो अकृत्रिम होता है। स्व में आत्मा में जो प्रेम है वो अकृत्रिम प्रेम है, सहज प्रेम है, स्वभाव प्रेम है और अन्य में जो प्रेम होता है वो कृत्रिम प्रेम होता है। इसलिए जब परमात्मा भी आत्मा के रूप में होता है तब उसके प्रति अकृत्रिम प्रेम, अकृत्रिम प्रेम प्रकट होता है माने परमानंद जो है, परमानंद जो है उसके समुद्र में बाढ़ आ जाती है। तो कृपयातीत सौबंध ने श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को स्वरूप में अनुभव किया। ये तो हमारा स्वस्वरूप ही है तो तब इसका बंधन कोई पराया बंधन, इसका बंधन कोई पराया बंधन नहीं है। ये तो चित्त से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ हमारा, हम जैसे अपने से प्रेम करते हैं वैसे हमारी मैया भी हमसे प्रेम करती है। हम जैसे अपने अपनी चोटी बांधते हैं तो कोई बंधन थोड़ी है। तो हम जनेऊ में गांठ लगाते हैं तो कोई बंधन थोड़ी है। तो हम जो नीली ग्रंथी लगाते हैं अपने हाथ से तो वो कोई बंधन थोड़ी है। इसी प्रकार मैया जब हमारे हाथ की तरह है, हमारे पांव की तरह है, तो उस मैया के द्वारा मैया के पेट में जब रहते हैं तो उल्वावृत रहते हैं, उल्व बंधन में रहते हैं। उसकी ही नाड़ी से, उसकी ही नाभि नाड़ी से जो पौष्टिक भोजन जाता है बच्चे के पेट में वो भी एक बंधन है। नाल भी जुड़ा होता, नाल का भी बंधन है, जरायु का भी बंधन है। तो माता के द्वारा जो बंधन है उस बंधन को अपने से भिन्न समझना ये ठीक नहीं है। तो कृपया सहित स्वबंधन है ऐसी कृपा उमड़ी, अरे ये तो बिल्कुल अपना आप ही है, जो मैं हूँ तो ये है। इसलिए कृपया सहित स्वबंधन और तब तक बंधे रहे। मैया ने तो बांध दिया और बांधने के बाद मैया तो चली गई घर का काम करने के लिए, लेकिन श्रीकृष्ण ने अपना बंधन खोला नहीं। तो सूरदास ने तो आपदभावे लिखा है और वैसे बोलते हैं दामोदर। तो अधिष्ठान के आदि में भी बंधन नहीं है और अंत में भी बंधन नहीं है, मध्य में ही बंधन है, इसलिए उसको दामोदर कहते हैं। दामोदर माने दाम उदरे यस्य चंद्रशेखरे यस्य चंद्रशेखरे समाप्त को बोलते हैं।
ऐसा तो मध्य में बंधन है, मानो आदि में बंधन न अंत में बंधन, वादावंशी की जन नास्ती वर्तमान की तत्कथा, जो आदि अंत में नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है। और ये बंधे क्यों रहे कि जैसे प्रजापति ने यशोदा मैया को पुत्र सुख के लिए आशीर्वाद दिया था, वैसे नारद जी ने नलकूबर मणिग्रीव को आशीर्वाद नहीं साप दिया था, अनुग्रहार्थ साप था, साप दिया, अनुग्रह माने स्वधर्माविर्भाव और अर्थ माने श्री कृष्ण प्राप्ति, जिनके अंदर भक्ति आवे और श्री कृष्ण की प्राप्ति होवे। तो श्री कृष्ण ने देखा कि जब ये नारद के द्वारा ये देवता जड़ बना के रखे हुए हैं, ये चेतन देहासक्त हो गया है, ये देह भी तो वृक्ष ही है ना, देह भी एक वृक्ष है, जो चैतन्य देवता है वो देह भाव को प्राप्त हो गया है। तो जब तक ये देह भाव को वृक्ष भाव से सुखी पाके पुनः चेतन देवत्व को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक मैं भी बच रहूंगा। तो जब तक जीव भी निराकार है, जीव भी निराकार है लेकिन वो अपने को साकार मानता है, तो भगवान कहते हैं जब तक तुम साकार मानोगे अपने को तब तक मैं भी तुम्हारे साथ साकार होकर रहूंगा, और जब तुम अपने को निराकार जान जाओगे तो मैं भी निराकार रूप से तुम्हारे प्रकट हो जाऊंगा, आपस में संपत्ता जिनकी लकी आदत बाधकता से। तो ये भगवान की एक ही लीला, वेदांत योग धर्म दुर्भावना का परित्याग, सद्भावना का ग्रहण, भक्ति की महिमा, एक ही लीला से अनेक अभिप्राय प्रकट होते हैं। एक आलीला भगवतो वर्षा नाम की साधिका ओम।